बेबी मुझे लग रहा है कि आज बहुत ज्यादा काम है, मुश्किल ही लग रहा है मुझे तो। अविनाश ने बहुत गलत किया, कह रहा है मेरे को बहुत काम है, तो मेरे को पहले ही बोल देता ना, मैं सुबह कैंडी को कम से कम लेके आ जाती। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आप मुझे जमीन पे इसलिए देख रहे हो क्योंकि मेरा स्टीमर खराब हो गया है और मैंने जुगाड़ फिक्स किया हुआ है इस समय, क्योंकि जो नया स्टीमर आया था ना वो भी नहीं चला, जो अविनाश जी ने मंगवाया था ना वो नहीं चला क्योंकि अविनाश जी ने चेक नहीं किया था उसे। ठीक है, कुछ बोलना चाहेंगे आप? दुकान से चेक करके मंगवाया था बेबी। दुकान से कैसे चेक करके मंगाया था, जो घर पे आके चला ही नहीं, ऐसे आ रहा था। एक दो, ये क्या आ रहा है, ये धुआं। उससे अच्छा कि ये सारी खिड़कियां उड़के बंद करके आप गर्मी में बैठ जाओ, उससे ज्यादा पसीना आ जाएगा। कुछ भी नहीं हो रहा था बेबी उसमें। तुम एक काम करो ना, ये पतीला जो तुमने मंगवाया है ये गैस पे रख के सीधा गैस के ऊपर मुंह डालो ना। अच्छा, कैंडू मामा मुझसे बात नहीं कर रही है, पता नहीं क्यों। इसका दिन बड़ी मुश्किल से कट रहा है। मैं बोल रही हूँ उसको ले जाती शूट पे, तो तुम ले जाना तेरे। मैं आज कोशिश करता हूँ तुम्हें, मैं बताता हूँ 11 बजे तक। अब आइस लगाओगी? छुपी छुपी निन्नी करके कैचा लगाया मेरे चैलू। जब तक तुम्हारी शूटिंग खत्म होगी ना, तब तक इसका फायदा उठा के मैं इन सबको अपना बना लूंगा। नहीं कर सकते तुम। बना लूंगा, देखना तुमसे बात ही नहीं करेंगे, मेरे पास ही रहेंगे सारे। वो इसी चीज का तो वेट कर रहे हैं कि खत्म हो तो इसको लात मारे। इनको सबको वशीकरण करूंगा मैं, अब देखना। मैं नीचे वर्कआउट करता हूँ ना, और वो लेके आता है इसको घुमाने के लिए, तो जैसे ही मुझे क्रॉस करती है रुक जाती है, और रुकी रहती है। फिर कल मैंने इसके साथ वॉक किया एक्सरसाइज छोड़ के। बहुत रोई है मेरे आने पे। फिर मुझे अमिता ने बताया कि दिन भर भी तुम्हें बहुत तंग किया इसने। बहुत यार, ये मेरी टांगों के बीच में बैठ जाती है, फिर मैं खड़ा भी नहीं हो पाता, और जब चलता हूँ तो मेरे पैरों में दर्द हो रहा होता है। कल तो मैंने भी बेबी एकदम अंदर गले तक डाली थी दवाई। कितने बजे पहुंच जाती हो तुम? 7:30 निकलती हो तो। अरे अरे अरे, अब मेरा 8:10 टच कर जाती, तो क्या होता है मेरे को जो ट्रैफिक होता है ना, हाँ, वो कट जाता है। अगर थोड़ा भी मैं लेट निकलू ना, मेरे को ट्रैफिक मिल जाएगा, इसलिए मैं ना हाईवे क्रॉस कर जाना चाहती हूँ फटाक से। इस जैसे बनाना टी शर्ट। हाँ चलो बेबी, आज मैं नीचे नहीं आऊंगा अभी। ए, मास्क पहन के इसमें अगर कोरोना लगा होगा तो। ऐसे कोरोना वाले सेट से आती हो तुम रोज। बेबी आज मेरे काम खत्म हो जाएंगे तो आई विल ट्राई। मेरे को बता देना, लेकिन पोस्ट लंच ही आऊंगा अगर आऊंगा तो। ठीक है, ओके, बाय बाय। नीचे आके देख रही हूँ कि खूब बारिश हुई हुई है, तो इसका मतलब बारिश हो भी सकती है। अभी वैसे मौसम है तो सही, लेकिन मालूम नहीं क्या फर्क पड़ता है। चाचा मेरे लिए सिंगदाना लेके आए हैं, पता नहीं मंगा लिया। अरे 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 चाचा, आप काजू ले आए? चाचा काजू नहीं खाती मैं। हाँ ये रहा ना सिंगदाना, बस। अच्छा क्वालिटी का? हाँ बहुत बढ़िया, ये हो गया ना। ये भी नमक वाला है? नहीं नहीं चाचा, मैं काजू नहीं खाती हूँ, काजू आपके लिए, आप खाओ। थैंक यू चाचा, थैंक यू। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तैयार होकर टाइम पास करेंगे दोनों। मेरी पहली मॉर्निंग कॉफी, ये देखो कितनी साइड लाई है, क्लासिको इंटेंसो दोनों। चलो मुझे एक कॉफी का साथ ही मिला, पिंकी नाम का, और इसके बाद मैं अपनी सेकंड कॉफी पीऊंगी बाहर बैठ के चाचा के पास। थोड़ी बातें करूंगी, थोड़ा अपना फोन वोन चेक करूंगी, अविनाश से बात करूंगी। आई डोंट नो वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसने बोला तो था 11 बजे तक बताऊंगा, लेकिन कितने बज रहे हैं? अरे अभी तो 10 बज रहे हैं। तो जी मैं अपना नहा धो के रिलैक्स हो गया हूँ, अपना काम शुरू कर दिया है मैंने, और अभी अमिता ने चेरी को नहला दिया। चेरू बाबा अपने आप को सुखाने में लगा हुआ है। और हमारी अभी भी ये प्लानिंग हुई है कि जैसे ही मैं कोको को टेबल पर बिठाऊंगा दवाई खिलाने के लिए, दवाई खिलाते ही तुरंत अमिता उसको चेन लगाएगी और अंदर ले जाएगी, और वो अभी किचन में सो रहा है। और अमिता इतनी चालू है कि मतलब दवाई मैं खिलाऊं और उसके बाद ऊपर से वो आराम से चुपचाप टेबल पे से उसको उठा के ले जाए, मतलब मेरे कंधे पे रख के बंदूक चलाए हैं। अमिता नहीं, बैठ जा। शाबाश शाबाश शाबाश, कोको खोलो खोलो खोलो। तो जी हो गई कोको की दवाई, चालाक लड़की अपना काम करवा लिया। कोको काट लेना अंदर बेटा। सुबह मैंने संभावना को बोला था कि मैं इन मेम साहब को लेकर उसके सेट पे आऊंगा, जो कि मेरे से थोड़ी गलती हो गई, मुझे एक्चुअली उसको सरप्राइज देना चाहिए था। तो अब मुझे आइडिया आया है कि मैं उसको फोन करता हूँ और बोलता हूँ कि मैं नहीं आ रहा हूँ, मुझे कुछ काम आ गया है, और मना करने के बाद फिर मैं सरप्राइज देता हूँ उसको। कोको ने अपना ड्राइंग डांस शुरू कर दिया है, ड्राई डांस, अपनी बॉडी को ड्राई करने के लिए। चेरी आधी सूख चुकी है, चेरी को वैसे भी बहुत टाइम लगता है। चेरो अभी होगी दो पोनी आज। बेबी मुझे लग रहा है कि आज बहुत ज्यादा काम है तो मुश्किल ही लग रहा है मुझे तो। हाँ यार ये इसमें बहुत ज्यादा काम है, और अभी मैंने शुरू किया है, तो मैंने संभावना को मना कर दिया है। अब उसे पता चल गया मैं नहीं आ रहा हूँ, अब अपना काम खत्म करके 2 घंटे में चुपचाप मैं इसको लेके महारानी को जाऊंगा सेट पे और उसको सरप्राइज दूं। थोड़ा सा ब्रेक हुआ है तो मैं लेट गई हूँ, कैंडी नहीं आएगी, मैं मिस कर रही हूँ।
मेरे कैंडू मामा को मिस कर रही हूँ। अविनाश ने बहुत गलत किया, कह रहा है मेरे को बहुत काम है, तो मेरे को पहले ही बोल देता ना, मैं सुबह कैंडी को कम से कम लेके आ जाती। मैं इसके साथ का वेट नहीं करूंगी, मैं कैंडी को लेके आ जाऊंगी। बढ़ाया, मेरा मूड बहुत खराब है, मैं सोने जा रही हूँ थोड़ी देर, 5 मिनट के लिए। 5 मिनट सोई थी, 5 ही मिनट सिर्फ गिन के बुला लिया इन्होंने। सो नाउ इज द टाइम टू सरप्राइज माय बेबी। तो दाढ़ी तो मैंने अभी किस तरह बना ली है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं पहनूं क्या। और जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता ना, तो मैं पहनता हूं व्हाइट। सो कैंडिया के पापा हो गए तैयार, और अब करेंगे कैंडी को तैयार। कैंडी के कपड़े ले आओ भाई, वेट कर रही है। फ्रॉक लेके आना। तो कौन सा पहनेंगे हम? पहनेंगे पिंक, पहन के चलते हैं। पिंक मम्मा का फेवरेट कलर, ठीक है। रोना क्यों है? रोना क्यों है जब जा रहे हैं तो? हैं पागल लड़की, रोना क्यों है जब जा रहे हैं तो? कैंडी का परफ्यूम भी लाओ भाई। और भाई सब खाने पीने का सामान सब कुछ हो जाए पैकिंग, हैं। तो जी पूरी तैयारी हो चुकी है, अब मैं बुक कर रहा हूँ कैब, फिर देखते हैं वो अलाउ करता है कि नहीं करता कैब ड्राइवर कैंडी को। कर तो देना चाहिए क्योंकि कुत्ता तो नहीं है, चूहा ही है। और फिर देखते हैं, अगर नहीं अलाउ किया तो फिर ऑटो में जाना पड़ेगा। गाड़ी लेके यहाँ से मैं नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ से ऑलरेडी संभावना की गाड़ी है, 2 गाड़ी ड्राइव करके आना पड़ेगा। चल रहे भाई, चल रहे, मुझे पता है यार, ये इतनी चालाक है, इसको पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, और ये बोल रही है जल्दी चल, क्यों नहीं चल रहा तू? डॉग अलाउ नहीं है। तो पेट फ्रेंडली है ना? नहीं, अभी तो पढ़ा मैंने। नहीं सर, पेट नहीं है। तो ये तो भैया मेरी गोद में रहेगी, तो छोटा सा है। बड़ा डॉग होता तो दिक्कत होती ना, ये तो नाक के बराबर है, तो चूहा है, कुत्ता कहाँ है? देखो आप, गोद में रखूंगा भैया इसको, कुछ नहीं होगा। ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं, कैंडी भी है और शायद सामने सामान भी दिख गई मुझे। मैं अभी अपना कैमरा चेक कर रही थी, तो मैंने देखा कि अविनाश कैंडी को कहीं लेके गया है घूमने के लिए, तो ऑब्वियसली उसको नीचे घुमाने लेके गया होगा। उसको बोल दिया ना हमने कि आज आएगी, तो वो तो रेडी थी, तो उसका मन उसको बर्बाद कर दिया होगा अविनाश को, तो ये शायद नीचे लेके गया इसको थोड़ी देर के लिए। मुझे पता था। और बोली गुड़िया मिली थी, आओ इधर घूमो, पूरा घूमो घूमो। कैसे सरला जी आप? अरे मैंने आपका वो ब्लॉग देखा जिसमें आपने काली साड़ी पहनी है ना, मैंने बोला एक और शायद लेके आए कोई कैरेक्टर, फिर बाद में पता चला कि तो आप प्यारापन। और जैसे मैं देखती रहती हूँ आप लोगों को, मैं पहले से ही फॉलो कर रही हूँ, मुझे पता है कि आप ये मेरा मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। नहीं नहीं सच में, मैंने उसको यही बोला, मैंने उसको बोला इनको तो आप जान रहे हो। निकालो जितनी मर्जी निकालिए, अभी ये यहीं पे होगा। और ये मेरे को क्या बोला, मैं नहीं आ रहा हूँ। मेरी गुज्जी, बहुत मामा की गुज्जी, आज अच्छे मिलाती हूँ, आज 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 हेलो 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 सर, कैसे हैं आप? अरे कैसे हैं भाई, आप पकड़ते डॉक्टर? वो बहुत एक्साइटेड है, मेरी गुज्जी बहुत एक्साइटेड है ना। सोनिया सर, वैसे तो गोरखपुर से हूँ। अच्छा, बॉर्न इन गोरखपुर, ब्रॉट अप इन इंडिया। सर आप जो बोलते ना कि हमें कछु याद ही नहीं आ रहा है, अब ये आपने कम से कम 10 बार बोला, 10 बार अलग आया, हर बार आप एक्सपेक्ट करोगे कि अच्छा अभी हमें ये वही आने वाला, लेकिन वो कुछ और आ जाए। ओहो टोटल भूल ही गया था। तो बाहर संभावना का शॉट चल रहा था और इसने 2-3 बार आवाज दे दी बीच में, और इसकी वजह से रीटेक हो जाता है, तो अब मैं इसको जबरदस्ती पकड़ के अंदर लाया ताकि वहाँ शूटिंग हो सके। और इधर भी इसकी हालत देख लो कैसे कांप रही है, रो रही है कि मुझे लेके चलो वहाँ पे। अब तू यहीं रहेगी जब तक, जब खुद आएगी ना वापस यहाँ पे संभावना, तब मिलना, ठीक है? चलो इधर रहो, बैठो। इतनी करते हैं कोई सेट पे बैठ के,
इतना कौन रोता है गंदू गंदू बाबा मेरा। अभी इसको और मेरे को दोनों को मार के भगा देते सेट से, पता है अब क्यों आ रही है, चले okay, ये दे दो अब ओके हो। अब मम्मा करेगी, अब मम्मा करेगी, करेगी। कितने सीन बचे हैं? टाइम क्या हो रहा है? 5:30 बिल्कुल काम नहीं करने दे रही है, हो रही है चला रही है बकरी। तो संभावना बाथरूम में गई है तो बाहर ही बैठ गई है, धक्का और मार दिया दरवाजे पे। कैंडी कितनी जान प्यारी है इसको नहीं पता, दरवाजा खुलते ही कूद गई। ये धक्के मार रही थी ना, वो मेरे पीछे से बाथरूम आ गई है। चोनिया मैं तेरा क्या करूं, चोनिया मम्मा ऐसी दिख रही है, चलेगा आपको? मम्मा अच्छी दिखेगी फिर चलेगा? नहीं नहीं, काम के वक्त लेकिन तंग नहीं करना, काम काम होता है बेटा। मम्मा की पिल्लू पिल्लू, मम्मा को जुल्लू बुल्लू। मुंह धोने गई हो तो भी अंदर गई है, देखो बाबा रुको देखो। तो हम लोग निकल गए हैं, छोनी का रो रो के बुरा हाल था तो गोदी में लिया हुआ है, और पीछे है अविनाश जिसको कॉफी भी चाहिए थी बीच में, तो अविनाश ने कॉफी उठा ली है। इतना तो मैं काम कर करके नहीं थकता जितना यहाँ 2 घंटे बैठ के थक गया। ऑब्वियसली ना थोड़ी थकावट तो हो ही जाती है, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, गाड़ी में मिलती हूँ आपको। तो जी हम लोग घर के नीचे पहुंच गए हैं, अब ऊपर जा रहे हैं, इससे ज्यादा व्लॉगिंग हो नहीं सकती, वी आर डेड टायर्ड। और छोनी को भूखी भी लगी हुई है, उसको खाना देना है, मेरे को भूखी लगी है, इसको भूखी लगी है, खाना खाएंगे सो जाएंगे। आपको मिलती हूँ मैं कल, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना से एंटरटेनमेंट। इससे क्यों मुंह छुपा रही हो? ऐसे ही मैं दिखा रही हूँ कितना क्यूट बैग है। कैंडी छोना माता घूम रही है छोनी, उसकी फ्रॉक ले ली, मेरे पास पहन लो ना।